भैया, कंप्यूटर पर काम करने में तो बड़ा मजा आता है। मैं काफी समय इस पर काम करते हुए और अभ्यास करते हुए व्यतीत कर सकती हूँ। तो तुम्हें अभ्यास करने से किसने मना किया है? तुम किसी भी समय अभ्यास कर सकती हो। हाँ, मैं करूंगी, लेकिन आज नहीं। क्यों? क्या हुआ? स्कूल से आज बहुत सारे असाइनमेंट मिले हैं और मुझे इन्हें कल तक जमा करना है। मुझे आज ये असाइनमेंट कर लेने दीजिए। अच्छी बात। क्या मैं असाइनमेंट देख सकता हूँ? बिल्कुल। अरे, तुम्हें तस्वीरों, ग्राफ और कुछ विशिष्ट टेक्स्ट के साथ असाइनमेंट बनाने हैं। यह तो बहुत मजेदार है। ये तो है, लेकिन मुझे रात भर जगकर इसे पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कंप्यूटर इसे जादू की तरह पूरा कर देगा। वाकई में मैं अपने कंप्यूटर द्वारा असाइनमेंट जल्दी पूरे कैसे कर सकती हूँ? इस कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर है जिससे तुम मन चाहे डॉक्यूमेंट बना सकती हो। बड़ी मजेदार बात है। इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड कहते हैं। आइए एमएस वर्ड के बारे में जानें। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप सक्षम होंगे वर्ड प्रोसेसर के रूप में एमएस वर्ड को पहचानने में, एमएस विंडो को समझने में, एमएस वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट को बनाने में, परिवर्तित करने और प्रारूप बदलने के लिए करने में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अथवा एमएस वर्ड अथवा वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप एप्लीकेशन और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का ऑफिस सूट है। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली एप्लीकेशन है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट और एमएस एक्सेस। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो किसी भी टेक्स्ट के पठनीयता को बढ़ाता है। यह आपकी डाटा और डॉक्यूमेंट शेयर करने, कम्युनिकेशन टूल का प्रयोग करने, इंटरनेट का प्रयोग करने और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में भी सहायता करता है। एमएस वर्ड के प्रयोग द्वारा आप विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट जैसे पत्र, मेमो और रिपोर्ट बना सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को परिवर्तित, इसके प्रारूप को परिवर्तित और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट में कई प्रकार के फॉन्ट प्रकार, फॉन्ट के रंग तथा तस्वीरें, ग्राफ और तालिकाएं डाल सकते हैं। एमएस वर्ड को शुरू करने से पहले आइए वर्ड को शुरू करें और इसकी विंडो को जानें। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करें। एक नए डॉक्यूमेंट की विंडो दिखाई देती है। इस डॉक्यूमेंट विंडो को देखें, यह कई हिस्सों में बटी हुई है। ये हैं टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, रूलर, वर्कस्पेस अथवा टेक्स्ट एरिया, स्क्रोल बार और स्टेटस बार। टाइटल बार पर वर्तमान में सक्रिय डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। आप टाइटल बार पर डबल क्लिक करके डॉक्यूमेंट विंडो का साइज बदल सकते हैं। टाइटल बार पर डबल क्लिक करके डॉक्यूमेंट साइज को अपनी सामान्य अवस्था में आता हुआ दिखाएं। टाइटल बार पर ऑफिस बटन और मिनिमाइज, रीस्टोर, डाउन, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन हैं। आइए उनके बारे में जानें। ऑफिस बटन से हाल के डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलती है।
इससे जल्दी से एक्सेस करने के लिए आप डॉक्यूमेंट के नाम पर क्लिक कर सकते हैं। ऑफिस बटन कई विकल्प देता है जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आप इन विकल्पों द्वारा डॉक्यूमेंट को उत्पन्न, खोलने, स्टोर अथवा प्रिंट कर सकते हैं। मिनिमाइज बटन डॉक्यूमेंट विंडो को टास्क बार आइकन के रूप में मिनिमाइज अथवा छोटा कर देता है। आइकन पर क्लिक करके आप विंडो को इसकी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। रीस्टोर बटन फुल स्क्रीन से पहले डॉक्यूमेंट विंडो को इसके वास्तविक आकार में ले आता है। मैक्सिमाइज बटन डॉक्यूमेंट विंडो को फुल स्क्रीन में बदलने में सहायता करता है। क्लोज बटन डॉक्यूमेंट विंडो को बंद करके वर्ड एप्लीकेशन से बाहर निकलने में सहायता करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्विक एक्सेस टूल बार अक्सर काम में आने वाले टूल्स जैसे सेव, रीडू, अंडू को शीघ्रता से प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आइटम चुनकर क्विक एक्सेस टूल बार को अनुकूलित कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार अपने आप रिबन के ऊपर होता है। इसकी स्थिति को अनुकूलित करके इसे रिबन के नीचे लाने के लिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से शो बिलो द रिबन ऑप्शन चुन सकते हैं। अब रिबन को देखें। रिबन के ऊपर मेन्यू आइटम टैब के रूप में व्यवस्थित हैं। टैब को क्लिक करने से विभिन्न समूहों से संबंधित मेन्यू विकल्प दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक समूह में आप संबंधित मेन्यू बटन देख सकते हैं। रिबन के नीचे रूलर होता है। रूलर नापने और चीजों को डॉक्यूमेंट में जल्दी से व्यवस्थित करने में सहायता करता है। यदि रूलर दिखाई नहीं दे तब व्यू टैब को क्लिक करें और रूलर चेकबॉक्स को चुनें। रूलर रिबन के नीचे दिखाई देता है। इस चौड़े सफेद रिक्त स्थान को देखें। यह वर्क प्लेस अथवा टेक्स्ट एरिया है जहां आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रोल बार को देखो। यह डॉक्यूमेंट के ऊपर और नीचे जाने में सहायता करता है। डॉक्यूमेंट विंडो के सबसे नीचे स्टेटस बार स्थित होता है। यह वर्तमान पृष्ठ और वर्तमान में सक्रिय डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या डिस्प्ले करता है। स्टेटस बार पर दिखाई जाने वाली सूचना को आप अनुकूलित कर सकते हैं। अनुकूलित करने के लिए स्टेटस बार पर दायां क्लिक करें और कस्टमाइज स्टेटस बार मेन्यू से वह विकल्प चुनें जो आप चाहते हैं। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें।
अब तक आप डॉक्यूमेंट विंडो के हिस्सों से परिचित हो चुके हैं। आइए रिबन के बारे में और अधिक जानें, क्योंकि डॉक्यूमेंट पर काम करते समय आप इस भाग का प्रयोग अधिक करेंगे। रिबन में कई मेन्यू टैब होते हैं जो आपकी प्रोग्राम की विशेषताओं का प्रयोग करने में सहायता करते हैं। ये टैब हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, डिजाइन और लेआउट। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। होम टैब टेक्स्ट और पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के काम आता है। होम टैब के विभिन्न समूहों में मेन्यू विकल्प होते हैं। ये समूह हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। क्लिपबोर्ड समूह में कई मेन्यू विकल्प होते हैं। ये मेन्यू विकल्प हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प डॉक्यूमेंट में चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने अथवा हटाने के लिए होते हैं। फॉर्मेट पेंटर चुनी हुई फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरी पर लागू करने के काम आता है। फॉन्ट समूह द्वारा विभिन्न मेन्यू विकल्पों का प्रयोग किया जा सकता है जो चुने हुए टेक्स्ट के फॉन्ट का रूप, साइज, प्रकार और रंग बदल सकते हैं। पैराग्राफ समूह पैराग्राफ के टेक्स्ट को अलाइन और इंडेंट करने के विकल्प प्रदान करता है। यह पैराग्राफ में लिस्ट, बुलेट और नंबरिंग करने में और चयनित टेक्स्ट और आंकिक आंकड़ों को सॉर्ट करने में सहायता प्रदान करता है। स्टाइल समूह डॉक्यूमेंट में चुने हुए टेक्स्ट में विभिन्न स्टाइल जैसे नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल और सब टाइटल प्रयुक्त करने में सहायता प्रदान करता है। एडिटिंग टैब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को ढूंढने में सहायता प्रदान करता है। आप रिप्लेस मेन्यू विकल्प द्वारा टेक्स्ट को बदल सकते हैं और डॉक्यूमेंट में इसकी पुनरावृत्ति को भी बदल सकते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह डॉक्यूमेंट में पृष्ठ, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर और फुटर, टेक्स्ट और सिंबल डालने के काम आता है। पेज लेआउट टैब आपके डॉक्यूमेंट में थीम लगाने के काम आता है। पेज को सेट करने, बैकग्राउंड सेट करने, पैराग्राफ में इंडेंट और स्पेस देने और डॉक्यूमेंट में विभिन्न चीजों को व्यवस्थित करने के काम आता है। रेफरेंस टैब विषय की सूची और फुटनोट, कथन और ग्रंथ सूची, कैप्शन, इंडेक्स और प्राधिकरणों की तालिका बनाने में आपकी सहायता करता है। मेलिंग्स टैब फॉर्म डॉक्यूमेंट अथवा एक पत्र तैयार करने में आपकी सहायता करता है, जहां प्रत्येक प्रतिलिपि कई लोगों की बहुत सारे लोगों को भेजी जानी है। इस टैब के कई समूह लिफाफे और लेबल बनाने, डॉक्यूमेंट में प्राप्तकर्ता का नाम जोड़ने, पता और शुभ संदेश लिखने के लिए फील्ड जोड़ना, परिणामों को पहले से देखना तथा अंतिम रूप देने से पहले गलतियों की जांच करके इन्हें दूर करना। मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण फीचर है। इस फीचर के द्वारा आप एक ही बार अनुकूलित पत्र अथवा फ्लायर अपने सभी मित्रों को भेज सकते हैं। रिव्यू टैब डॉक्यूमेंट के जांचने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट में जोड़ना, घटाना, टिप्पणियों को ढूंढना, डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों की निगरानी करना, डॉक्यूमेंट में परिवर्तनों को देखना और उन पर पहुंचना, डॉक्यूमेंट में कई संस्करणों की तुलना करना और उनको सुरक्षित रखना।
व्यू टैब डॉक्यूमेंट के परिदृश्यों से काम करने में मदद करता है। डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप में विकल्पों के द्वारा आप डॉक्यूमेंट की दृश्यता बदल सकते हैं। व्यू टैब रूलर, ग्रिड लाइन, मैसेज बार, डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल को दिखाने छिपाने में भी मदद करता है। जूम समूह डॉक्यूमेंट को एक आकार विशेष में देखने में सहायता करता है। विंडो समूह एप्लीकेशन में खुले विभिन्न डॉक्यूमेंट विंडो को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। डिजाइन टैब डॉक्यूमेंट में तालिका में कई स्टाइल का प्रयोग करने में सहायता करता है। लेआउट टैब टेबल या तालिका के साथ काम करने में सहायता करता है। यह टेबल के गुण देखने और टेबल के रो और कॉलम के साथ काम करने में सहायता करता है। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। आइए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे दोहराएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अथवा वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ आता है। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली एमएस ऑफिस एप्लीकेशन है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो किसी पृष्ठ की पठनीयता को बढ़ाने के काम आता है।
Document Window Title Bar, Quick Access Toolbar, Ribbon, Ruler, Workspace अथवा Text Area, Scroll Bar और Status Bar में विभाजित होती है। टाइटल बार पर वर्तमान में सक्रिय डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। रिबन में कई मेन्यू टैब होते हैं जो प्रोग्राम के फीचर का प्रयोग करने में आपकी सहायता करते हैं।